लोकी एवेंजर्स मूवी पूरी एक आर्मी लेके आता है अर्थ पे कब्जा करने के लिए, फिर भी वो हार जाता है, लेकिन कॉमिक बुक्स में वो अकेले आता है और पूरी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो आज हम तुमको बताएंगे लोकी की उन 5 पावरों के बारे में जो केवल कॉमिक बुक्स में बताई गई है, और फिर उन 5 पावरों को कम्पेयर करेंगे लोकी के मोस्ट पावरफुल वर्जन से, ये जानने के लिए कि लोकी का सबसे पावरफुल वर्जन कितना पावरफुल है। तो चालू करते हैं पावर नंबर 1 से, जो कि एक्चुअली एक हथियार है जैसे थॉर के पास होता है, वैसे ही लोकी के पास भी तलवार होती है, जिसकी 2 बहुत अजीब पावर्स हैं। पहली पावर समझने के लिए हमें स्कूल चलना पड़ेगा, जहाँ पर तू अपने मास्टर जी के सामने उनकी बहुत तारीफ करते हो, लेकिन जब मास्टर चला जाता है तब उसके पीछे बहुत उसकी मौज लेते हो, तो ये तलवार तुमको एक बार में ही मार देगी। जो आदमी अपनी मन की बात अपने मन में दबा के रखता है, सबके सामने बिल्कुल एकदम सच नहीं बोलता, अपने रंग छुपा के रखता है, उसके लिए ये तलवार उतनी खतरनाक है। और अगर तुम हमेशा अपनी असली रंग सबके सामने दिखाते हो, तो ये तलवार तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। नंबर 2, going to leave this reality and go to one where I can be with my children. मूवी एज ऑफ अल्ट्रॉन में हम लोगों ने देखा था कि वांडा सबको अपने काबू में कर रही, अपने वश में कर रही थी। तो अगर उस वक्त किसी के पास ये तलवार होती तो वांडा उसको अपने वश में नहीं कर पाती, लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि तुम उसके वश में होना चाहते हो कि नहीं। पावर नंबर 2, लोकी के पास एक और हथियार होता है, और वो हथियार तुमने काफी बार देखा है मूवीज में। जरा तुम सोचो एक ऐसी दुनिया जहाँ पे हीरो और विलेन का कॉन्सेप्ट ही बदल जाए, मतलब जो हीरो है वो विलेन है और जो विलेन है वो हीरो है, तो उस समय बताओ मेनेर का वर्ती कौन होगा, लोकी या थॉर? 100% लोकी। पावर नंबर 3, अगर लोकी की ये पावर इन्फिनिटी वॉर में दिखाई जाती तो थैनोस लोकी को कभी मार ही नहीं पाता, क्योंकि लोकी के पास एक ऐसी पावर है जिससे वो किसी भी चीज को आइसक्रीम में बदल सकता है, पता नहीं कैसे लेकिन है उसके पास ये वाली पावर। पावर नंबर 4, लोकी को हर दूसरे मूवी में गिरते हुए, पड़ते हुए, मार खाते हुए, बेइज्जती कराते हुए देखा है, लेकिन कॉमिक बुक्स में भाई की इज्जत बहुत है। कॉमिक बुक्स में इतना पावरफुल है कि वो सर्टर, सिल्वर सर्फर, डॉक्टर स्ट्रेंज और एपोकलिप्स को एक प्रॉपर टक्कर देता है भाई, सिस्टम के नीचे नहीं रहता वो, लेकिन मूवीज में हॉकी पेल के चला जाता है। पावर नंबर 5, एवेंजर्स की पहली मूवी से ये वाला सीन तो अच्छे से याद होगा, लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है, क्योंकि लोकी कॉमिक बुक से 50 टन वजन आराम से उठा लेता है और हल्का वजन केवल 600 से 700 किलो होता है। कहने का मतलब ये है कि लोकी हल को धह पटकी बड़े आराम से लगा सकता है। अगर केवल वेट की बात करें, हम पावर की बात नहीं करेंगे यहाँ पे, हल कितना पावरफुल है, लोकी कितना पावरफुल, वो तो बिल्कुल अलग बात, लेकिन हो सकता है, इट कैन हैपन। लेकिन क्या लोकी की इतनी सारी पावर्स और इतने सारे हथियार काफी है लोकी के मोस्ट पावरफुल वर्जन को हराने के लिए? इसका आंसर है हाँ, लेकिन वो डिपेंड करता है कि वेरिएंट टीवी सीरीज वाला है या फिर कॉमिक बुक्स वाला। टीवी सीरीज वाले लोकी को तो हरा देगा, लेकिन ये वाला भैया अलग ही नशे करे बैठा है, और जिसके बारे में हमने शुरुआत में बताया था कि वो अकेले पूरी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो ये वही वेरिएंट है। इसके पास है टाइम ट्रेवल, इसके पास हर वो पावर जो क्लासिक लोकी के पास है, और इससे भी ज्यादा इसके पास है सबसे खतरनाक वेपन नेक्रो सॉर्ड, और इसका नाम है नेक्रो गॉड लोकी। इसको हराना मुश्किल है।